फ्रेंड्स, ये है पार्ट फोर मुंडन ब्लॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ पर देखिए, ये पार्ट फोर है फ्रेंड्स, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे पार्ट बन गए और मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर देखिए, मंदिर है, मंदिर के यहाँ पे सब बाहर ना इस तरह से आपको सब चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, आपको किसी को गिफ्ट करना है, या चूड़ी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, टिकली बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और पहले हम आए थे ना तो इतना अच्छा नहीं था जितना इस बार में बहुत ही अच्छे अच्छे सामान देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे बस हम कुछ सामान ले रहे हैं ताकि हम भी घर पे अपने सबको बांट सकें। तो यहाँ पे एज अ प्रसाद लिया जाता है, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, या फिर कुछ माला हो गई, तो हमें प्रसाद में इस तरह से देना होता है। तो यहाँ पर बस यही सब लिया जा रहा है। और बहुत ही अच्छे से मुंडन हुआ, मुझे लगा लक्की रोएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस शंकर जी की मूर्ति देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से ही मैंने थोड़े बहुत पिक लिया, और एक मूर्ति थी बस, मैंने वहाँ का पिक नहीं लिया। और यहाँ पे हमारी हो रही है फैमिली शूट, जितने लोग हम आए थे सब लोग यहाँ पर, और फैमिली पिक्चर भी लिया। और यहाँ पर सब लोग हाय हाय बोल रहे हैं यूट्यूब फैमिली को, तो हाय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और जिन्होंने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है, पार्ट थ्री ज़रूर देखना, हो सके आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले फ्रेंड्स। और बहुत सालों बाद इस तरह से लग रहा था कि बरसों बाद हम इस तरह से बाहर आए हैं और इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मंदिर से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और एक्चुअली मैं ना लकी के साथ यहाँ पे वीडियो ऑडियो दे रही हूँ, इसलिए आवाज़ आप लोग को पीछे से आ रही होगी, तो सॉरी फॉर देट। और बहुत ही अच्छा लगा, इंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। है बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पे आज मैं मिलवाती हूँ लकी के बहन जी से, दादी से। तो दादी कुछ बोलो, दादी बोला कैसा भैया मुंडन? अरे बाप रे, मेरा बाल खा रहा है, कुछ बढ़िया होगा मुंडन, बड़े बढ़िया। और दादी जो है पहले से ही आ चुकी थी, खाना वाना सब बन चुका था, फिर हमें आके क्या करना था, खाना खा जाएगी। हाँ हाँ, खाना खा जाएगा। अरे बाबा, लकी बाल मेरे बाल को खा रहा है, देखो मैं खिला रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि बाबा आए हैं। क्या बोल, कुछ सब कुछ अच्छे से हो गया, हम लोग मेला घूम रहे हैं। बोला कुछ, सब कुछ अच्छा से हो गया है फ्रेंड्स, मैं घूम रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे से बोल रही है, तो जाओ नहीं जाओ, चलो बाय बाय। कैसा लगा था? पापा पापा कैसा लगा था? पापा पापा को अच्छा लग रहा है। पापा लें, इनके लें लें, दे पानी पीना है। खा के पापा आशीर्वाद दे दें, पापा आशीर्वाद दे दें। सो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम करेंगे थोड़े बहुत यहाँ पे शॉपिंग, जो कि चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। आप जब भी यहाँ पे शॉपिंग करना तो कम से कम 2-4 दुकान पे अच्छे से पता करके ही करना, क्योंकि एक सामान सेम सामान किसी दुकान में बहुत ज़्यादा रेट होते हैं और किसी दुकान में कम रेट होता है। तो इस तरह से आप थोड़े बहुत ना आजू बाजू देख के शॉपिंग करना, अदरवाइज़ जब देखते हैं कि नए लोग आए तो यहाँ पर लूटम लाट भी बहुत चालू रहता है। बस यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर लखी खिला रही में हलवा और दीदी परोस रही यहाँ पे खाना और चाची। तो यहाँ पर देखिए जो खाना हम बनाते हैं ना, यहीं पर हमें खाना जो चढ़ा के आते हैं फिर हमें वो एज अ प्रसाद खाया जाता है। तो इस तरह से सब खाना खा रहे हैं और बस इसी तरह से। और यहाँ पे देखो चूल्हा ऑलरेडी बना हुआ था, या फिर आप घर से भी चूल्हा ला सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है चूल्हे में खाना, और चूल्हे का खाना किसे किसे पसंद है ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही खाने में मिठास ही आ जाती है। तो यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं और लास्ट में हम लोग खाएंगे। और खाना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा। अब जब किसी चीज़ को आप प्रसाद बन जाता है ना खाना, तो ऑटोमेटिकली उसमें स्वाद अपने आप आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से था ये ब्लॉग, आप लोग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट्स करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे यूँ बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, हेयर केयर टिप्स और स्किन टिप्स बहुत सारे करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप लोग भी सजेशन ज़रूर देना कि और मैं कौन से वीडियो बनाऊँ। और देखिए यहाँ पे चूड़ा बहुत पसंद आया, तो ये एक रेड वाला जो था 450 बोल रहे थे और ये 350 रुपये, ऐसे मतलब बहुत बहुत कॉस्ट थे और इसमें भी बहुत अलग अलग प्राइस के थे। हालांकि मैंने नहीं लिया क्योंकि ये कांच का है और मुंबई लाते वक्त ना बैग में कांच की चूड़ियाँ मेरे टूट जाती है, ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ अब ट्रैवलिंग करते वक्त कि हमें कांच की चूड़ियाँ ना रखूँ बैग में। और यहाँ पर देखिए मैं आगे बताऊँगी कभी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, आगे के ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के लिए। सो बस छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट्स करना। मुझे भी वन चिप्स, मैं भी जीती थी, पीहू जीती मतलब मम्मा भी जीती, थैंक यू। चला मुझे मुझे पीहू जीती मतलब मम्मा भी जीती। मेरे को भी कोई चांद दो। स्टोन पेपर सीजर। पीयू जीत चुकू जीती मतलब मैं भी जीती। स्टोन पेपर सीजर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कहीं कुछ जाना नहीं पड़ता है, ऐसे गली में ही बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये का 5 किलो सिंगाड़ा मिल रहा है, जो इसमें थोड़े बहुत मैं बम्बई भी लेके जाऊँगी। और चलिए यहाँ के आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।